कुफा निवासी 28 वर्षीय इब्रेश उर्फ सद्दाम 10 अप्रैल को जुलूस पर पथराव के बाद शहर से लापता था। 11 अप्रैल को सद्दाम का शव आनंद नगर में मिला था, लेकिन शिनाख्त नहीं होने पर पोस्टमार्टम के बाद इंदौर फ्रीजर में रखने के लिए भेज दिया गया था, जहां 14 अप्रैल को कोतवाली थाने में गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना कर खुलासा किया है। प्रभारी एसपी रोहित काशवानी ने मीडिया को बताया कि 28 वर्षीय इब्रेश उर्फ सद्दाम की लाश 11 अप्रैल को आनंद नगर में मिली थी। शिनाख्त नहीं होने पर पोस्टमार्टम कराकर इंदौर भेज दी गई थी। सर में पत्थर से गंभीर चोट लगने से मौत हुई थी। परिजनों ने 14 अप्रैल को गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 17 अप्रैल को परिजनों से शिनाख्त करवाकर शव को परिजनों को सौंपा गया। स्थानीय कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। पुलिस विवेचना कर रही है। इधर परिजनों ने दंगे में हमले के मौत का आरोप लगाया है। मृतक के भाई इकलाक ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है। 12 अप्रैल को सभी ने देखा कि पुलिस घायल अवस्था में उठाकर ले गई। मीडिया की धमकी के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। आज शिनाख्त कराने के बाद शव भेजा गया। मेरा भाई 10 तारीख को 7:30 बजे आनंद नगर मोहल्ले में रोजदारों का अत्याचारी देने गया था। वहां पर पत्थर चोट हुई, उसके साथ उसको औजारों से मारा गया। वहां के लोगों ने उसका सिर भी कुचल दिया पत्थरों से, और घायल कंडीशन में उसको पुलिस ने भी गिरफ्तार किया। 12 तारीख को थाने पे भी दो चार लोगों को दिखाई दिया, लेकिन वो गवाही देने को तैयार नहीं है। दो चार लोगों को 12 तारीख को दिखाई दिया, उसके बाद से अंडरग्राउंड कई जगह छुपा के रखा था। कल मेरे पास रात को 9:30 बजे एक जवान आया, उसने मेरे से पूछा कि आपके भाई की जानकारी चाहिए मेरे को। तो मैंने उसको जब मीडिया की धमकी दी जवान को कि कल मैं मीडिया को सुबह बुलाऊंगा, तो उसने 5 मिनट में कह दिया कि इंदौर MBI में तुम्हारे बच्चे की डेड बॉडी है, लेने चले जाओ। दिनांक 10 तारीख को रात को हमें एक जानकारी मिली थी कि एक जगह एक व्यक्ति पड़ा है घायल अवस्था में। तत्काल हमने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां वह मृत घोषित हुआ। उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। उसके पश्चात हमने PM कराया, तो उसके बाद भी कोई हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई थी। तो शव चौकी यहां पर सुविधा नहीं थी रखने की, तो हमने उसे इंदौर भिजवाया था। उसके पश्चात हमने CCTV वगैरह देखे, बहुत कोशिश की। फिर 14 तारीख को एक गुम इंसान की रिपोर्ट आई थी, वो हमने पंजीबद्ध की और हमने सब दिखवाए। और उसके पश्चात जब हमें पता चला कल कि कुछ जो हमें पता कि कुछ लोग ढूंढ रहे हैं, तो हमने फिर आइडेंटिफिकेशन कराया कल एक बॉडी का, तो इंदौर में। और वहां से पता चला कि ये एवरेज इस्लामपुरा के हैं, इनकी बॉडी। तो हमने फिर इनकी फैमिली को बुला के अंतिम संस्कार। सर, ये मौत कैसे हुई? ये अभी इसमें जो है कि इनकी बच्चू सर पर चोट लगने से हुई है, और उसमें अपराध में पंजीकृत किया गया है, इसमें कार्रवाई की जाएगी। आगजनी की घटना के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची, जहां बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगजनी की घटना में जहां एक क्लिनिक और कीटनाशक दवाओं का गोदाम पूरी तरह जलकर खाक हो गया, घटना के पीछे शॉर्ट सर्किट कारण बताया जा रहा है। पहली घटना छोटी ग्वालटोली थाने से महज कुछ ही कदम की दूरी की है, जहां मौजूद यशवंत प्लाजा में सूरज क्लिनिक में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना से दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग इतनी भयानक थी कि पूरे क्लिनिक को अपनी चपेट में ले लिया। काफी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। दूसरा मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र के DHR कंपाउंड स्थित बने पेस्टिसाइड कीटनाशक दवा के गोदाम की है, जहां अचानक भीषण आग लगी। आग लगने की सूचना से दमकल की टीम मौके पर पहुंची, जहां 4 गाड़ियों और लगभग 30 टैंकर से भी अधिक पानी से आग पर काबू पाया गया। दोनों ही आगजनी की घटना में लाखों रुपए मूल्य का सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गया। आग लगने का कारण संभवतः शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं फायर सेफ्टी इक्विपमेंट न होना एक बड़ी लापरवाही भी सामने नजर आई। हाँ, ये यशवंत प्लाजा के नीचे सूरज विजन आँखों का हॉस्पिटल है, उसके अंदर आग लगी थी। तो इन लोगों ने क्या है कि पहले इस गेट को खोल दिया, गेट को खोलना नहीं था, तो गेट को हम लोग क्या अपने तरीके से गेट खोले तब आग बुझाते हैं। तब तक वो क्या है, हम लोग आए तो भभक गई, पूरे अंदर तक पहुँच गई, नुकसान हुआ है, जल गया। फिर भी उनका पीछे का पोर्शन बच गया है, मशीनें कोई बची हैं और कंट्रोल कर लिया है वैसे खरी खरी। सर, क्या आग का कारण सामने है? आग का कारण अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी बंद थी हॉस्पिटल, चालू भी नहीं थी। अब ये पता लगाते कैसे क्या रहे में आएगा, पता कैसे क्या लगी है। जाना नहीं है ही नहीं, क्योंकि बंद था, जाना नहीं होने सवाल ही नहीं है। यदि कोई बैठा खुला होता तो ये बात सोच भी सकते थे। तो बुझे ये ऐसे कंट्रोल में है आग तो। कितने टैंक का पानी लगा? हाँ, ज़्यादा एक टैंक पानी लगाया अभी तो। आपका परिचय? शिवनारायण शर्मा, सब इंस्पेक्टर फायर।
सैंदवा शहर के अग्रवाल कॉलोनी में सूने मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। खिड़की के रास्ते घर में घुसकर चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। नकदी सहित चांदी के आभूषण चोर चुरा कर ले गए। सैंदवा शहर के अग्रवाल कॉलोनी में चोरों ने सूने मकानों को अपना निशाना बनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के अग्रवाल कॉलोनी के रहने वाले अंकित बड़ोदिया और उनके पड़ोस में रहने वाले जैन दंपत्ति के यहाँ परसों रात चोरों ने धावा बोल दिया। चोर खिड़की के रास्ते घर में घुसे थे। अंकित द्वारा मामले की जानकारी देते हुए बताया गया कि वे लोग दो दिन पूर्व शहर से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान चोरों द्वारा उक्त घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित द्वारा बताया गया कि उनके घर से नकदी सहित चांदी के आभूषण भी चोरी हुए हैं। उक्त मामले में जानकारी पुलिस को दे दी गई है। हमारे घर में और हमारी गली में आगे के घर में दोनों जगह परसों रात को चोरी की वारदात हुई है और दोनों ही जगह खिड़की की ग्रिल खोल के और अंदर चोर घुसे हैं और दोनों ही घर में जो है थोड़ा छुटपुट चोरी का सामान चोरी हुआ है। क्या कुछ कैश वगैरह लगा है? कुछ नगद सामान था और कुछ जो है उसमें चांदी वगैरह के आभूषण है थोड़े बहुत और सिक्के वगैरह है। आपको चोरी की जानकारी कब लगी? चोरी की जानकारी जो है सुबह कॉलोनी के पड़ोसियों ने फोन करके बताया कि आपके यहाँ पे खिड़की वगैरह खुली हुई है तो चोरी हुई है। उन्होंने देखा, फिर हमने जो है हम तुरंत वहीं आप दौड़ के सैंदवा आए और फिर हमने अंदर आके चेक किया। आप वारदात के समय कहाँ थे? वारदात के समय शादी में गए थे, शादी में धार गए। किसी पे